चली हुई हैं छुट्टियाँ और छुट्टियों में होता ही है मतलब अपना जो रूटीन होता है डेली का वो बिल्कुल अलग हो जाता है मतलब ना टाइम पे खाना है बच्चों का ना टाइम पे सोना है तो वही चीज़ मेरे घर में भी चल रही है तो यहाँ पे देखिए मैं इनको दे रही थी अभी बजे थे सुबह के नौ और नौ बजे इनका हो रहा था नाश्ता और वो भी आज था ब्रेड जैम और मलाई का तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने थोड़ा थोड़ा ही इनको दिया बाकी इससे पहले मैंने थोड़ा सा इनको बनाना सेक बना के दे दिया था और मैं सीधा फिर बनाऊंगी यहाँ पे खाना तो खाना बनाने से पहले आज मैं थोड़ी सी ना अपने घर की क्लीनिंग भी करूँगी घर की नहीं पूरे सॉरी मंदिर की करूँगी क्योंकि कल है एकादशी तो एकादशी का मेरा व्रत होता है तो उससे एक दिन पहले मुझे जरूर से ज़रूर अपना जो मंदिर है वो साफ़ करना ही होता है तो कैसे हो आप सब ये तो पूछना भूली गई आई होप कि आप सब ठीक होंगे आप सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा तो यहाँ पे एक एक ब्रेड कर लिया है ये जो एक सिंगल पे लगा है, ये मैं ही खाऊँगी मुझे ज़्यादा ब्रेड ब्रेड नहीं मतलब अच्छा लगता इस वजह से तो उनका कर दिया था एक एक और उनको रात में ना दलिया बनाया था मैंने और थोड़ा थोड़ा सा दलिया दे दिया था ठंडा ठंडा और गर्मियों में ठंडा दलिया बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा होता है और उसके बाद हम नाश्ता करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और किचन को करूँगी पहले यहाँ से मतलब किचन से क्लीनिंग करने की शुरुआत करूँगी अपने काम की अपने ब्लॉग की तो ये है मेरा मटका मिट्टी का जिसमें मैं भर के रखती हूँ पानी तो ये है गीला कपड़ा को इस तरह से लपेट के इस पर रख देती हूँ ताकि इसका जो पानी है मतलब इसमें ठंडक बनी रहे नहीं तो होता क्या है जैसे कि जैसे अब थोड़ा सा ना जैसे लू भी चलती है जैसे तो लू में पानी मतलब बिल्कुल भी फिर मटका ना पानी ठंडा नहीं करता तो इस तरह से कपड़े को गीला करके इस पर लपेट देती हूँ तो ये ठंडा बना रहता है और ठंडा होता है भाई पानी रात में भर के रख दो ना तो सुबह पिए बहुत ही मतलब अच्छा भी लगता है और घड़े का पानी एक जो खुशबू होती है ना मिट्टी की वो सौंधी सौंधी सी वो आती है बहुत ही अच्छी लगती है तो यहाँ पे देखिए ये जो पैप्सी की मैं आपको कैन दिखा रही थी इसे अभी न कुछ डी करने वाला है अपने ही स्कूल का जो इसका हॉलीडे होमवर्क है उसके लिए तो ये मैंने अभी फेंके नहीं हैं ये कल ले के आए थे इनको तो इन्होंने पिए और ये खाली क्या यहीं पे रखी हुई है मैंने साफ़ सुथरी करके रख दी उसके बाद यहाँ पे जो सुबह बनाना सेक बना था ना उसके ये छिलके हैं और मैंने आपको पहले भी बताया जो ये छिलके होते हैं इनको भिगो के दो दिन मैं अपने जो मेरे प्लांट हैं उन पे इनकी स्प्रे करती हूँ इस पानी की जिससे पौधे सच में बहुत ही ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हैं एकदम हरे हरे हो रहे हैं हरे पत्ते आ रहे हैं और मैं पीछे से गई ना जैसे अब आठ दस दिन तो हम रह के आए हैं तो बिल्कुल भी पौधे मतलब नहीं मुरझाए मैंने इनको भी बोला था कि आप भी एक दो बार कर देना इन्होंने स्प्रे तो नहीं की लेकिन जैसे मैं अब पानी डाल रही हूँ ना इस तरह से डाल दिया था तो बिल्कुल ये देखिए सच में और केले के जो छिलके हैं ना मतलब आप मतलब सच में यकीन मानो मैंने ये मैंने जिस दिन आपसे पहली बार ये चीज़ कर रही थी तब ये रहा था ना कि मैं पहले कर लूँ फिर आपको बताऊँगी कि हाँ इसका रिजल्ट अच्छा आता है कि नहीं आता है तो इसका रिजल्ट वाक्य में ही आता है भाई अच्छा आता है तो यहाँ पे देखिए जितने पौधे मेरे ग्रो करें सबसे ज़्यादा मुझे ना मनी प्लांट का था ये बाकी जो ये पौधे हैं ये तो फिर भी चल जाते हैं आ, लेकिन मनी प्लांट मेरी हो ही नहीं रही थी पता नहीं क्यों क्या मतलब समझ नहीं आ रहा था लेकिन आप बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है तब से मैंने ये जो केले के छिलके हैं ना इनका स्प्रे करना शुरू किया है और अगर आप केले के छिलके का पानी का स्प्रे नहीं करना चाहते तो केले के छिलकों को सुखा लो फिर उनको उनका खाद बना के भी इसमें डाल सकते हो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट होता है और केले में होता है वैसे ना फोर्टी फाइव परसेंट बताते हैं कि पोटेशियम होता है आयरन होता है तो जो पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होता है तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बर्तन धुल रही हूँ और जैसे कि ये जो जार है मेरा बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है कुछ भी बनाऊँ मिक्सी में तो छोटा जो मेरा जार है ना वो ख़राब हो गया और जिस दिन से मैं यहाँ पे आई हूँ ना यहाँ पे ना मुझे मतलब एक भी शॉप नहीं है जिससे ये बर्तन मतलब इस तरह की चीज़ें ठीक हो जाए तो इसी में सारा कुछ होता है तो जैसे कि मैं डेली बनाना सेक मैंगो सेक बनता है ना तो नीचे से ना इनमें छीटे पड़ने से एक आ, मतलब दाग दाग से हो जाते हैं और कालापन आ जाता है जैसे फफूंदी से लग जाती है वो चीज़ हो जाती है और मैंने कईयों के घर में भाई देखी है ये चीज़ सच में तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इसलिए मैं इसका जो नीचे का एरिया है ना बहुत ही अच्छे से साफ करके रखती हूँ जिससे कि Uh, मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों से ही ना किचन में स्मेल होती है और ये मैं पता है क्यों बोल रही हूँ मेरे, मेरे से पीछे इन्होंने यही काम किया इन्होंने बनाना सेक बनाया या मैंगो सेक बनाया ऊपर से तो अंदर से तो इसको धुल दिया लेकिन नीचे से नहीं धुला जिसकी वजह से ना इसमें नीचे काला पनसा जम गया था और किचन का जो ये कपड़ा होता है और जो बर्तन साफ़ करने का जो स्क्रबर होता है इन चीज़ों को अगर ना अच्छे से धुलो ना साफ़ करो बाकी आपके चाहे बेचक बेशक, बेशक किचन सारी साफ़ सुथरे दिख रही हो लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना अच्छे से साफ़ करो तो इन्हीं चीज़ों से स्मेल भी होती है और ये अब मेरे में तो सच बताऊँ ये पता नहीं क्या है बीमारी है ये साफ़ सफाई की तो मैं जब तक मुझे बिल्कुल एक अपनी घर की एक एक चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी ना दिखे ना तो बेशक मुझे खाना ना मिले लेकिन मैं अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से संभाल के और साफ़ सुथरा करके रखती हूँ ये है मेरी मिक्सी और ये देखिए यहीं पर सेल्फ भी रखी रहती है और डेली इस पर जैसे खाना बनता है तो चिकनाई भी बैठती है लेकिन मजाल जो इस पर थोड़ी सी भी आपको कुछ भी थोड़ी बहुत गंद दिख जाए तो यहाँ पर देखिए किचन हो गई है बिल्कुल साफ़ एकदम से सुबह का ही टाइम है और अभी दोपहर का खाना बनना बाकी है ये सुबह की सफाई है उसके बाद चलते हैं जैसे कि मैं अभी पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज मुझे करनी है अपने मंदिर की क्लीनिंग तो मैं आपको ना पता है मंदिर की क्लीनिंग तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि एक दिन मैंने आपके साथ शेयर की थी तो बार बार एक एक चीज़ दिखाऊँगी तो आपको पता है कि मैं कैसे करती हूँ तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको दिखाऊँगी कि जो मैं अपना एक्स्ट्रा जो सामान होता है ना उसको कैसे स्टोर करके रखती हूँ अपने मंदिर का जो मेरा सामान होता है तो जैसे ये हैं दिए बर्तन हैं जो पूजा के इनको डेली धुलती हूँ इस टाइम जब मैं पूजा का ये थोड़ा सा सारा सामान हटा लेती हूँ तो दो दिए होते हैं जो तुलसी जी पे बाहर लगता है और एक जो यहाँ पे मंदिर में लगाती हूँ तो जितना भी ये सारा सामान होता है इन चौकी के नीचे वो हटा लूँगी डेली यूज़ का और जो कभी कभी जैसे पूज जो एक्स्ट्रा पूजा होती है या फिर त्यौहार होते हैं वो और ये हैं घी में भिगो के रखी हुई हैं बत्तियाँ ये डेली यूज नहीं होती ये होती हैं जब जैसे कि महीने में दो तीन दिन जब मैं पूजा नहीं करती हूँ अभिनव करता है तो ये मैंने अभिनव के लिए भिगो के रखी हुई है और शाम को भी अभिनव ही करता है शाम को भी यही अधिकतर जल जाती है तो यहाँ पर देखिए ये एक टोकरी है जिसमें मैंने अपना सारा सामान भर के रखा हुआ है और इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था ना तो वो जो मैं अभी आपको सिंदूर दिखा रही थी वो मैं अभी वृंदावन से लेके आई हूँ ख़त्म हो रखा था और वहाँ से ना अच्छा मिल जाता है तो ये देखिए इसमें कितना सारा सामान रखा है जितने मेरी पूजा की धार्मिक बुक होती है ना जैसे व्रत वगैरह की वो सारी एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं वो इनमें सर्दी वाले जो कपड़े हैं काना जी के या फिर बिछाने वाले वो कुछ नहीं है आ, मतलब एक्स आ, वो मतलब जैसे त्योहारों के होते हैं वो ही सब हैं और ये हैं कॉटन की आ, मतलब ये बत्तियां हैं ये कान्हा जी की एक दो पगड़ी इसमें भी रखी हुई थी जो मुझे अभी दिखाई दी इनका तो मुझे ध्यान ही नहीं था और ये हैं जैसे सत्यनारायण व्रत कथा जैसे मैं पूर्णिमा का कभी कभी कर लेती हूँ जैसे बड़ी बड़ी पूर्णिमा आती है ना उनमें और बृहस्पतिवार के एक बार मैंने व्रत रखे थे तो उसकी बुक है एक दो जैसे वैभव लक्ष्मी व्रत की बुक मिल जाती है ना जैसे जाते हैं ना कोई वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करता है तो वहाँ से जो श्रृंगार का सामान मिलता है उसमें भी मिलती हैं ये बुक तो ये दो तीन हो रखी है मेरे पास और एक ये जो टूथब्रश मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना इससे मैं जो मेरी मूर्तियाँ हैं इनको साफ करती हूँ क्योंकि जैसे ना भाई मूर्तियाँ हैं तो फिर थोड़ी बहुत तो जैसे गंदी हो ही जाती हैं तो इस वजह से जैसे उनमें थोड़ा बहुत मैल घुस जाता है ना तो मैं इसी से साफ़ करती हूँ तो मैंने यहाँ पे कपड़े निकालने हैं जो मुझे आज यहाँ पे बिछाने हैं एक ये मेरा मेरे पास ना ये थोड़ा सा बनारसी टाइप का कपड़ा है ये ये यहाँ पे तो इस मंदिर में यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे का जो टाइल्स लगे हुए हैं दीवारों पे लेकिन इसको मैं जैसे त्योहारों पे ना पीछे लगा लेती हूँ चौकी के और ये है का माता रानी की ड्रेस जो मैंने खुद से स्टिच की हुई है बहुत ही प्यारी लगती है और आज मैं माता रानी को यही पहनाने वाली हूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो बास्केट है इसका सारा सामान मैंने आपको दिखाया और फिर से इसमें रख के इसको साइड कर दिया है और ये है कान्हा जी का मतलब डब्बा जिसमें मैंने कान्हा जी के सारे गर्मी के जो डेली अभी पहना रही हूँ ना वो वाले कपड़े हैं ये मेरे पास ना दो तीन डब्बे हो रखे हैं और ये पता मिठाई के डब्बे हैं इनको अच्छे से डेकोरेट करके मैंने इसमें कान्हा जी के कपड़े रखे हुए हैं और सारा जितना भी इन चौकियों के नीचे ना सामान रखा हुआ है धीरे धीरे निकाल रही हूँ यहाँ से ये है एक गुल्लक जिसमें मैं मतलब महीने में या फिर जब भी सैलरी आती है ना मैं इसमें जरूर पैसे डालती हूँ दान देने होते हैं जो वो और ये है एक छोटी सी पेटी है लकड़ी की इसमें भी काना जी का ही सामान रखा हुआ है तो उसके बाद मैंने जैसे बताया था आपको मैं अपना पूजा की जो क्लीनिंग है वो नहीं दिखा रही हूँ सिर्फ यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैं जो मूर्तियों की जो सफ़ाई है मैं वो कैसे करती हूँ ये देखिए पंद्रह बीस दिन में या महीने में एक बार इस तरह से करना ही पड़ता है और यहाँ पे तो ज़रूरी करना पड़ता है क्योंकि ये मंदिर ना बिल्कुल एकदम खुला खुला है ऐसे धूल मिट्टी अंदर घर में घुसती है ना तो जब घर की कोई भी चीज़ नहीं बचती तो फिर मंदिर का ही सामान मतलब मूर्तियाँ क्यों बचेंगी भाई धूल मिट्टी से इस वजह से तो मैं अच्छे से देखिए यहाँ पे पूरे ना क्लीन कर लूँगी इस ब्रश से इस मूर्तियों को और मैंने सारी ऐसे ही की है बस मैं आपको यहाँ पे माता रानी की दिखा रही थी तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एकदम चमक गई हैं और ये ना सफ़ेद पत्थर में है तो और भी ज़्यादा मतलब थोड़े दिन के बाद ना गंदी गंदी सी लगने लगती है तो मैंने जो ड्रेस अभी आपको दिखा रही थी माता रानी की वो इनको पहना दी है और लगा दिए हैं इनके केस इनकी चुंदरी इनको उड़ा के इनको बैठा दूँगी इनकी जगह पे जहाँ पे मैं इनको बैठाती हूँ तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है माता रानी तो चुंदरी तो रेड कलर की होती है तो मैं रेड कलर की ही रखती हूँ बाकी कोई और कलर की नहीं तो यहाँ पे देखिए मेरा जितना मंदिर था वो साफ़ हो गया और साथ में मेरी जितनी मूर्तियाँ थी वो बहुत ही अच्छे से आज मैंने साफ़ कर दी थी उसके बाद मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ नीचे का जो ये मेरा जो ये वाली जो टोकरी है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इसी में जो डेली का सामान होता है ना वो रखा होता है और ये देखिए इसकी हालत कितनी गंदी हो रखी है क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम से मैंने इसको साफ़ नहीं किया तो मैं इसको साफ़ करके लेके आई हूँ अभी तो यहाँ पे मैं इसको साफ़ कर लाई हूँ और अब जितना भी इसमें सामान है वो इसमें रख दूँगी तो इसमें जैसे देखिए मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या रखा हुआ है मिश्री का डब्बा है धूपबत्ती का है जो बत्ती है जो मैं मतलब डेली लगाती हूँ सुबह के टाइम वो है और जिससे मैं माला का जाप करती हूँ वो है घी है और बाकी चंदन रोली सिंदूर सब हैं ये सारा कुछ जो डेली यूज होता है ना वो वाला सारा सामान है तो मैंने इसमें अच्छे से साफ़ सुथरा करके वो रख दिया और ये है एक काना जी के लिए शीशा जो मैं डेली उनको जब तैयार कर देती हूँ ना तो उसके बाद उनको दिखाती हूँ ये मेरा अपना भाव है मुझे अच्छा लगता है इस तरह से करना तो मैं ज़रूर करती हूँ और ये मुझे वृंदावन से ना जो वो क्या बोलते हैं उसको श्रृंगार का सामान मिलता है निधिवन से तो ये मुझे वहाँ से मिली थी मेहंदी है ये तो मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया मैंने इसको ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है यादगार के तौर पर और ये अब की बार नहीं जब पिछली बार गए थे तब से मेरे पास रखी हुई है और ये है जो मैं डेली मंदिर जाती हूँ उसकी टोकरी तो आज इसको भी साफ़ कर रही हूँ तो यहाँ पे देखिए जो डेली लेके जाना होता है वो सामान है इसमें तिलक हैं सारे अभीर जो भोले बाबू को तिलक लगता है चंदन और नहीं सॉरी अष्टगंध और क्या बोलते हैं उसको सिंदूर माता रानी पार्वती के लिए और मतलब जितना भी सारा सामान है वो सारा इसमें साफ़ सुथरा करके इसको भी यहीं पे रख दिया है और डेली ये साफ़ सुथरे मतलब इसमें डल के रखते हैं ना तो डेली डेली फिर रखने की ज़रूरत नहीं होती ये टोकरी बस उठाती हूँ और सीधा मंदिर चली जाती हूँ घर की पूजा करके तो यहाँ पे देखिए मेरा मंदिर बिल्कुल साफ़ हो गया था मैंने लगा दिया यहाँ पे पर्दा और बहुत ही सुंदर लगता है वैसे बिल्कुल ना जैसे दोनों कमरों के बीच में दिया हुआ है ये और हॉल में है हॉल के में इसका मेन है दरवाजा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है यहाँ से मेरा मंदिर वाक्य में ही उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ यहाँ पे मानू का आज थोड़ा सा ना हॉलीडे होमवर्क कराने के लिए और दस पंद्रह दिन की छुट्टियाँ बीत चुकी हैं और लेकिन अब तक इसने ना एक दिन भी किताब उठा के नहीं देखी जबकि मैं उन्हें ना बोला हुआ था कि कम से कम डेली फाइव जो एक्सरसाइज करोगे उनकी पिक्चर क्लिक करके और फिर उनके फोटो खींच के की। मतलब नहीं इतना भारी भारी काम दिया हुआ है मतलब कहाँ से बच्चे कर ले मैंने मैंने कहा नहीं तो रेस्ट कर दस पंद्रह दिन फिर उसके बाद देखते हैं कराती हूँ मैं और ये थोड़ा मतलब ये छोटा छोटा वर्क है तो इससे हो रहा है लेकिन ऐसा भी वर्क दिया हुआ है हॉलीडे होमवर्क दिया हुआ है मतलब कि जो इसके बस की बिल्कुल भी नहीं है या तो उसको मैं ही करूँगी या फिर मान क्या बोलते हैं अभिनव ही करेगा तो यहाँ पे देखिए ये जो मैं लिए हुए हूँ ये है अभिनव का असाइनमेंट ये एसएसटी का है और इसने बहुत ही अच्छा बनाया है ये तो मणिपुर के बारे में वेलकम टू मणिपुर लिखा हुआ है हाँ हाँ मन वही लिखा हुआ है तो उसके बारे में सारा कुछ जी के मतलब एक तरीके से ना जी के ही है तो पूरा डिटेल में इसको लिखना था जितने भी वहाँ पे टेम्पल हैं उनके बारे में और ये इस तरह के हर सब्जेक्ट के बनाने थे मतलब तीन चार सब्जेक्ट के तो बनाने ही हैं इसको तो ये इसने आज कंप्लीट कर दिया था थोड़ा सा रह गया था एक के बारे में अभी लिखना बाकी था इसका ज़्यादा वर्क है बाकी मानों का भी बहुत सारा है जो मुझे करना है तो लेकिन आज मैंने इसको बस थोड़ा सा ही कराया फिर उसके बाद ना खाने का भी टाइम हो गया था तो इस तरह से आज हमारा दोपहर तक का टाइम बीता तो बस इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर